एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम वृष लग्न के स्वभाव और प्रकृति इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपका लग्न वृक्ष है तो ये वीडियो आपके लिए है, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। निश्चित मानिए कि लग्न का प्रभाव मानव जीवन पर पूरे का पूरा पड़ता है। तो यदि वृष लग्न है आपका तो कैसा होगा आपका जीवन, हाव भाव, स्वास्थ्य, सौंदर्य इत्यादि। तो यदि वृष लग्न है तो ऐसे जातक अथवा जातिका गोल मुख वाले होते हैं, गर्दन का आकार छोटा होता है और गर्दन मोटी और जंघाएं पुष्ट होती हैं। अक्सर ऐसा जातक दुबला हुआ करता है, कंधों में बल और उन्नत बाहु, छोटे और गठीले होते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे से प्रतिष्ठा तथा सद्वेष के लक्षण प्रकट होते हैं। ये संगीत, आभरण, मनोहर वस्तु और भ्रमण का प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं। ये अधिकार प्रिय, चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों को अधिकार चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते परंतु शांत प्रिय होते हैं, धीर, गंभीर और सहन शक्ति से परिपूर्ण। ऐसे लोग दुख के समय धीरज के साथ काम करते हैं, दूर और कुटुंबियों के साथ डाह करने का स्वभाव भी कभी कभी आ जाता है। इस प्रकार का जातक प्रत्येक बात को अपने विचार के अनुसार करता है, दूसरे के परामर्श पर चलना ही नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति। दयालु होता है, विद्या विवाद में चतुर होता है, भाग्यवान लेकिन कामी होता है, हमेशा आनंद तथा सुख के अन्वेषण में लगा रहता है। चित्त का बड़ा गंभीर, गाढ़ा और दूसरे को अपना विचार ज्ञात नहीं होने देता, जिसका भी वृष लग्न है। ऐसा व्यक्ति विचारशील और शांत प्रकृति का होता है, उतावलेपन से किसी काम को नहीं करता। ऐसे लोगों का जीवन शांति में होता है। बहुत से मित्र होते हैं, धनी, सम्मान, मिष्ट भाषी, प्रिय तथा दयालु भी वृष लग्न वाले होते हैं। मध्य जीवन और अंत जीवन विशेष करके सुखमय होता है, बीच का जीवन कुछ कष्टप्रद होता है। भाग्य का उदय अक्सर अचानक होता है, धन संपत्ति अथवा जमीन संपत्ति की प्राप्ति होती ही होती है। ऐसे लोग बहुत से चौपहिया और चौपाए, गौ इत्यादि के मालिक होते हैं, गुरुजनों का आदर भी करने वाले होते हैं। वृष लग्न वाले के लिए एक विलक्षणता ये है कि आरंभिक जीवन में वो अनेक यंत्रणाओं से पीड़ित रहता है, परंतु जीवन के शेष भाग में विजयी होकर सुख संपत्ति से आनंदित हो जाता है। कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोष, यदि कन्या किसी स्त्री की कुंडली में वृक्ष लग्न है तो कुछ विशेष गुण दोष भी होते हैं। ऐसी कन्या लग्न वाली लड़की बुद्धिमती
विदुषी यानी विद्वान, सुशीला विश्वसनीय और कला कौशल को जानने वाली, शिल्प कला इत्यादि कढ़ाई बुनाई सिलाई आदि जानने वाली, ये लग्न स्थिति बताती है। और अपने पुरुष की आज्ञाकारिणी होकर के पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वाली, प्रेम से अधिकार जमाने वाली होती है। तो वृष लग्न वाले जातक के लिए शनि बहुत उत्तम होता है, क्योंकि शनि नवमेश और दशमेश होने से स्वयं राजयोग देने वाला होता है। इसी प्रकार सूर्य भी शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति ऐसे जातक एवं जातिकाओं के लिए अच्छे नहीं होते। यदि रवि को बुध अथवा शनि को बुध से संबंध हो तो सुखदायी योग होता है। इस प्रकार के जातक के लिए बृहस्पति प्रायः मार्केश होता है। चंद्रमा और शुक्र का मार्केश निर्बल होता है। तो 13.5 अंश से 16.5 अंश अर्थात पंचम नवांश में लग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट हो जाता है वृषभ लग्न वालों का। अब चेतावनी है ये कि ऐसे जातक को छाती और कंठ जनित रोगों का प्रायः भय उत्पन्न रहता है। गर्म तथा रोगनदार भोजन, चिकना भोजन हानिकारक होता है। भोजन के परिमाण पर विशेष ध्यान देना उचित है। अधिक परिमाण में भोजन करने से नुकसान होता है। उत्तेजना देने वाले तथा जल्दीबाजी के कामों से हमेशा सचेत रहता, यदि सचेत रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नुकसान उठाते हैं। ऐसे जातक के लिए समयानुसार अपने कार्य को निर्भयता रूप से करना सर्वदा उपयोगी होता है और व्यायाम उसके लिए अनिवार्य है। तो वृष लग्न के इस विषय में आपकी कुंडली यदि है तो जानना आवश्यक है। ये विचार मैंने खुद के और कुछ संगठित करके ग्रहण किए हैं। कैसा लगता है आपको ज्योतिष के बारे में जानना, हमें अपने विचार जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो के लिए मैं यहीं तक, आगे किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। सभी का मंगल हो। जय श्री कृष्णा।